बहुत बड़ा मैच खासकर लाहौर लायंस के लिए कहा जा सकता है द गेम ऑफ देयर लाइफ। शुक्रिया दबाया ने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। और जी हाँ, जैसे आपने कहा, आज जीतना ही होगा, करो या मरो की स्थिति या लाहौर लायंस की टीम के लिए अगर बने रहना है सेमीफाइनल की दौड़ में। और आज जिस प्रकार पिछला मुकाबला ने जीता था बहुत ही बढ़िया तरीके से पंजाब थंडर के विरुद्ध, आज वही कारनामा करना होगा। मशीन यहाँ पे बहुत ही उत्तेजित है और उसका कारण है क्योंकि एक अंक शुरू में ही स्टॉपिंग के कारण मिलता हुआ यहाँ पे लाहौर लायंस को, और उनके लिए बहुत बढ़िया आगाज होता हुआ इस मुकाबले में और इसकी दरकार थी उनको। जी हाँ बिल्कुल, वहीं से पिकअप किया है जहाँ पे उन्होंने छोड़ा था पिछले मैच में। बेहतरीन फॉर्म में थे, 8 स्टॉप्स किए थे उन्होंने पंजाब थंडर के खिलाफ और अब पहला स्टॉप पॉइंट लाहौर लायंस को ही मिलता हुआ। तो इस मैच में बहुत बहुत जरूरी है कि टीम पूरी तरह से एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे सके और इसके लिए रेडर्स को भी अच्छा करना पड़ेगा। उसी में से एक मोहम्मद खान संदीप नांगलाम्बिया की पकड़ से बचे। क्या अच्छी चीज मोहम्मद खान ने की कि धीरे धीरे अपने पाले की तरफ आते गए। हालांकि उनके सामने थे संदीप द ग्लैडिएटर के नाम से जाने जाते हैं, जिनका प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में बहुत उमदा रहा है, बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं, हमेशा आगे से लीड किया है और इस बार ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। और लायंस जानती है इस मुकाबले का महत्व, जैसे दबाइन बिल्कुल सही कह रहे थे। यूनाइटेड सिंग्स की स्थिति काफी मजबूत है दूसरे पायदान पे अगर अंक तालिका की बात करें, और यहाँ पे नवप्रीत पहला अंक लेते हुए खाता खोला यूनाइटेड सिंग्स ने इस अंक के साथ। नवप्रीत और लवप्रीत ये तो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन हाल ही में अब दबाइन बहुत बढ़िया रहा है यूनाइटेड सिंग्स के लिए रेड लाइन में। जी हाँ, यूनाइटेड सिंग्स भी आज जीतना चाहेगी क्योंकि जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा 24 अंकों पे हैं। अगर ये मैच जीत लें तो खुद को शायद दूसरे स्थान के लिए आश्वस्त कर सकते हैं और ये एक बड़ी चीज होगी क्योंकि फिर सेमीफाइनल में उनका मुकाबला खालसा वॉरियर्स के साथ नहीं होगा। हालांकि उस मुकाम पे आ चुका है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग कि आप किसी भी मैच को कम नहीं आंक सकते, खासकर नॉकआउट के दिन। तो अगर वो दिन आपका नहीं रहा तो आप इसी टूर्नामेंट से उसी दिन उसी वक्त बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल, और उससे पहले देखिए हर टीम चाहती है कि वहाँ तक पहुँचे, अब जो आखिरी चार की जो दौड़ है वहाँ तक पहुँचे। खालसा वॉरियर्स वहाँ पे पहुँच चुकी है, रेड सिंह की भी स्थिति काफ़ी बढ़िया है, पर कुल मिला के कई टीमों का प्रदर्शन बहुत सराहनीय रहा है। और लाया जिस प्रकार पिछला मुकाबला जीती उनकी तारीफ करनी होगी। रवि कुमार जो कि पानीपत से आते हैं, रवि कुमार जोगी, और यहाँ पे जद्दोजहद करते हुए पर पहला अंक लिया यहाँ पे रवि कुमार ने। ये कहते होंगे अब अंत भला सब भला, हालांकि क्या यहाँ पे कोई चोट लगी है। लाहौर लायंस की टीम के कप्तान नीचे गिर चुके हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके राइट नी पे शायद चोट लगी हो। जिस तरीके से गिरे, बहुत बहुत ज्यादा उनका जो वेट है पूरी तरह से उनके नी के ऊपर ऐसा लगा कि आया। जी हाँ, अभी भी देखिए किस प्रकार जूझ रहे हैं, दर्द में जूझ रहे हैं। देखिए ये घटा था, रवि कुमार संघर्ष करते हुए निकलने का प्रयास कर रहे थे और उसका फलस्वरूप की देखिए किस प्रकार जो घुटना है वो एकदम मुड़ा, जो वेट है वो एकदम एक तरफ रह गया, उसके कारण ऐसा लगा शायद घुटना जो है उनका मुड़ गया। और अभी भी दर्द में जूझते हुए कि इसके आगे उनके लिए खेलना लगभग नामुमकिन है। ये बहुत बहुत बड़ा सदमा है लाहौर लायंस की टीम के लिए। वैसे ही इनके बहुत कम खिलाड़ी हैं और एक प्रमुख प्लेयर जब ना रहे तो टीम के ऊपर दबाव और बढ़ जाएगा, लेकिन इन्होंने पहले पिछले मैच में भी खासकर दिखाया था कि मुसीबत के वक्त ये टीम और ज्यादा सख्ती से पेश आ सकती है। लेकिन यहाँ पे सामने संदीप नांगलाम्बिया, ये एक बहुत बड़े खिलाड़ी है, इनसे बचना काफी मुश्किल बन सकता है। जीशान के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई, एक और सक्सेसफुल स्टॉप वर्ल्ड कबड्डी लीग में संदीप नांगलाम्बिया के लिए। जी हाँ बिल्कुल, जीशान के पास इतना अनुभव नहीं पर संदीप के पास बहुत ही जबरदस्त अनुभव है और कला है। देखिए किस प्रकार यहाँ पे रोक के रखा, याद रखिए 30 सेकंड में रेड पूरी करनी अनिवार्य है अन्यथा विपक्षी टीम को अंक मिलता है। यहाँ पे पूरी तरह से झाबा का प्रयोग किया, हालांकि अब पाले के बहुत करीब थे पर 20 नंबर की जर्सी में निशान से दूर थे और इसी वजह से फिर से मुड़ के वापस आने की कोशिश करनी पड़ी और उसके वजह से बहुमूल्य जो वक्त है वो उनका जाया हुआ। यहाँ पे बलजीत बीता जिन्हें कहा जाता है, उनके सामने मोहसिन वाला पिछले मैच के सबसे टॉप स्टॉपर, अच्छा धक्का, दूसरा स्टॉप उनके लिए, लाहौर लायंस की अच्छी शुरुआत इस मैच में। देखिए एक जो गलती वहां पे की थी बीता ने कि जो बैक लाइन है उसके बहुत करीब थे, दौड़ने का प्रयास कर रहे थे, कौन बदलना चाहते थे, देखिए किस प्रकार बैक लाइन के करीब है। और यहाँ पे बढ़िया इरादा वहां पे मोहसिन का, देखिए किस प्रकार धक्का दिया और बल का प्रयोग करते हुए, और एक अंक और मिलता है लाहौर लायंस को। अब तक स्टॉपिंग काफी बढ़िया रही है, दोनों ही स्टॉपिंग में हाथ रहा है मशीन का।
शबीर हुसैन बट कद में थोड़े से छोटे हैं लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं और वो एक फायदेमंद चीज हो सकती है यहाँ पे संदीप नंगलांबिया के खिलाफ, यानी खुद को धकेलते हुए सेंटर लाइन की तरफ लेके जा सकते हैं। जद्दोजहद देखिए, यही है कबड्डी का जादू, यही है वेवर्ड कबड्डी लीग का मजा, बेहतरीन रेड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसा लगा चाहे संदीप इस बार भी नहीं छोड़ेंगे, जैसे उन्होंने जिशान को पिछली बार रोक के रखा था ऐसा लग रहा था इस बार भी पूरी तरह से पकड़ बना के रखेंगे। कहीं ना कहीं किसी तरह शब्बीर हुसैन वहां पे छूने में सफल रहे, रीच का इस्तेमाल किया और 30 सेकंड के अंदर वहां पे छूते हुए पर्दे की प्रतिक्रिया संदीप की थोड़े से नाखुश। संदीप बिल्कुल कप्तानी एक रोल अदा करते हैं और इसका साफ सबूत है कि अब तक 8 अंक यानी 4 रेड करने के लिए निकले हैं लाहौर लायंस के खिलाड़ी और उनमें से 3 में प्रयास किया है संदीप नहीं रोकने का। लेकिन यहां पे असलम डोगर का भी एक सक्सेसफुल स्टॉप। दूसरी ओर लाहौर लायंस की टीम, कई बार अजय जब टीम पे मुसीबत आन पड़ती है तो और ज्यादा प्रेरित हो जाती है टीम, शायद वही हुआ है यहाँ पे लाहौर लायंस के साथ। बिल्कुल, और देखिए उनको ये भी पता है कि आज उनके लिए बहुत बड़ा मुकाबला है, अगर बने रहना है आखिरी 4 की रेस में आज जीतना ही होगा। तो जो स्टॉपर्स हैं सब कुछ झोंक रहे हैं, 100% एफर्ट लगा रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए जो कि अच्छा संकेत है। हालांकि जावेद अभी फील्ड पे नहीं है, चोटिल है जो कि कप्तानी आज कर रहे हैं, और उसके बावजूद जो आज कार्य किया है असलम ने, मोशीन ने, तारीफ करनी होगी। यहाँ पे गुरविंदर की अच्छी पकड़ और एक पलटवार, मोहम्मद खान को जिस तरीके से बार किया ऐसा लग रहा है कि खान जब गिरे तब शायद हाथ में थोड़ी सी चोट लगी है, और यहाँ पे आसानी से कहा जा सकता है कि और अगर चोट लगे तो लाहौर लायंस के लिए और बुरी खबर। जी हाँ, देखिए पहले ही जो चिश्ती डोगर जो बेहतरीन रेडर्स है जिन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया पूरे टूर्नामेंट में, वो मौजूद नहीं है, वापस पाकिस्तान लौट चुके हैं। क्या यहाँ पे एक और खिलाड़ी कोई चोटिल हुआ है? मोहम्मद खान की ऐसा लगा थोड़ी कलाई में चोट आई है। हम सब के पसंदीदा एक खिलाड़ी गोलू गनौर कोशिश कर रहे हैं बचने की, लेकिन बहुत मजबूत पकड़ है जुबैर की और मजबूत पकड़ थी उनके कमीज के ऊपर भी, इसीलिए एक स्टॉप पॉइंट मिलेगा। ये भी एक इस बड़े कॉन्टेस्ट के अंदर एक अच्छा कॉन्टेस्ट था, जंजुआ बनाम संदीप। जंजुआ पहले ही चोटिल हो गए, यानी कि मुशरफ जावेद, और यहाँ पे एक और अंक मिलेगा जुनैद सिंह को, जो स्टॉप लाइन आया। दोनों टीमों की बहुत ही बढ़िया फॉर्म है, कोई भी मौका गंवा नहीं रहे। यहाँ पे अब जीती कुनर को थोड़ी कंधे पे चोट आई है, वहीं पे शायद हाथ लगाते हुए संदीप। जी हाँ, पूरी तरह से देखिए उनका वेट किस तरफ गिरेगा जब वो पकड़ेंगे और उसके बाद जिस तरह से गिरेंगे उसके वजह से ऐसा लगा कि शायद थोड़ा सा खिंचाव हो गया। लेकिन अली जो कि आमतौर पे रेड नहीं करते लेकिन करना पड़ा है पिछले कुछ मैचेस में, मोहसिन वाला यहाँ पे कोशिश करेंगे लेकिन बच निकले और नवप्रीत ने हाथ उठा के ये कहा कि आप मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। अभी भी एक अंक की बढ़त, यानी एक स्टॉप का फासला अभी भी है दोनों टीम्स के बीच। नवप्रीत ने अभी तक काफी बढ़िया कार्य किया है, 2 बार आए हैं, दोनों बार उनको सफलता मिली है और उनका एक अहम रोल है, खासकर शफीक भट्ट के चोटिल होने के बाद। मनीष त्याग जो कि हीरो रहे थे पिछले मुकाबले में, लाहौर लायंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया वापसी की थी, एक क्लासिक मैच हुआ था पंजाब थंडर के विरुद्ध जिसमें जीत मिली थी लाहौर लायंस को 12 नवंबर में, मतलब कि 2 दिन पहले ही, और यहाँ पे फिर से एक बार निकलते हुए बहुत जल्दी अपने पाले में पहुंचे, बैक पेडलिंग की और भली भांति जानते थे कि पाला कहाँ पे। अरे मनीष त्याग, और आज तो ये और भी खुश होंगे क्योंकि बाल दिवस है और सबसे युवा खिलाड़ी हैं, सिर्फ 17 वर्ष के हैं, यानी आज शायद ये शाम रहे रहमान इश्तियाक के नाम। वक्त बताएगा दबाइन, वक्त बताएगा, और वक्त से बड़ी कोई चीज नहीं है। यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं मुशरफ जावेद, अभी भी अगर ऐसा लगे कि ये प्रयास कर रहे हैं कि शायद मैं वापस आऊँ, फील्ड में आऊँ, एक्शन में रहूँ, क्योंकि जानते हैं इस मुकाबले का महत्व। फिलहाल रवि कुमार, और यहाँ पे अब एक अंक लेते हुए, एक एक अंक बहुत ही महत्वपूर्ण इस मुकाबले के संदर्भ में। उनके कोच पप्पी फूलोवाल जो कि लुधियाना से ही आते हैं, वो बहुत खुश होंगे उन्हें देख के, क्योंकि बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट किया है उन्होंने इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। सारे मैचेस लगभग नहीं खेले लेकिन शुरुआती कुछ मैचेस यूनाइटेड सिंग्स को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जिताए थे अपने योगदान से, पहले रेसलर रह चुके हैं और उस अनुभव का भरपूर फायदा उठाते हैं। यहाँ पे अगला रेड करने के लिए आ चुके हैं जीशान, क्या डबल टच मिला था। जी हाँ, ये अंक भी लाहौर लायंस के ही पक्ष में, घुटने पे चोट लगी थी, काफी स्ट्रैपिंग है उनके एंकल पे भी, घुटने पे भी। एक बार फिर बलजीत सिंह तूर,
ये का बहुत मुश्किल डिसीजन हो सकता है अजय कि क्या झंझुआ को किसी वक्त मैदान पे उतारा जाए कि नहीं, क्योंकि दो चीजें देखनी है, आज का मैच भी जीतना है लेकिन ये भी सोच के रखना है कि अगर टीम सेमीफाइनल तक पहुंच जाए तो फिर उनका क्या हश्र होगा। ये याद रखिए लाहौर लायंस का अगला मुकाबला जो कि शेड्यूल्ड है वो शनिवार को योयो टाइगर्स के खिलाफ है, यानी उस मैच को वो वॉकओवर से जीतेंगे, यानी दो अंक वहां पे भी मिलेंगे। तो अगर सेमीफाइनल्स में पहुंचे ये टीम जिसके कुछ आसार हैं, हालांकि पंजाब थंडर के पास अभी भी दो मैचेस हैं लेकिन वो उम्मीद यही करेंगे कि पंजाब अपने दोनों मैच हारे और वैंकूवर भी अपना मैच नहीं जीत पाए, फिर लाहौर लायंस के लिए सेमीफाइनल का रास्ता बन सकता है। तो इस लिहाज में क्या करेगी टीम, लेकिन यहाँ पे एक बेहतरीन स्टॉप, कितनी आसानी से स्टॉप को मुकम्मल कर लिया है संदीप ने। शब्बीर हुसैन के लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत ही करीब जाते हैं साइड लाइन के। देखिए किस प्रकार इस बार बैक लाइन के करीब चले गए और संदीप ने मात्र धक्का का प्रयोग करते हुए, हालांकि अभी ओस का बिल्कुल भी प्रभाव नजर नहीं आ रहा। मुशरफ जावेद की आप बात कर रहे थे कि क्या वापस आएंगे, एक्शन में नजर आएंगे, मुझे लगता है प्रयास जरूर करेंगे, अगर 90% भी फिट है जरूर चाहेंगे कि फील्ड में आए क्योंकि उनकी मौजूदगी ही जो अनुभव है वो बहुत कारगर साबित हो सकता है अपनी टीम के लिए। आज नीना ड्रोली के लिए काफी मुश्किल वक्त रहा है, हालांकि अपना पहला अंक लेने में कामयाब रहे, लवप्रीत संघा के नाम से भी जाने जाते हैं और पहले अपने दोनों रेड्स मिस कर चुके थे और यहां पे भी मुश्किल में थे एक वक्त। देखिए ये दो युवा खिलाड़ी, एक तरफ लवप्रीत एक तरफ नवप्रीत ने बहुत प्रभावित किया है और लगता है जो इन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है यही कारण है कि जो रेड लाइन है अब काफी मजबूत नजर आ रही है यूनाइटेड सिंह्स की। मोहम्मद खान एक बार फिर पिछले मुकाबले में भी हीरो रहे थे, बहुत बढ़िया वापसी की थी खासकर आखिरी क्वार्टर में पंजाब थंडर के विरुद्ध कारगर साबित हुए थे मोहम्मद खान, यहाँ पे थोड़ी मुसीबत में पर किसी ना किसी तरह निकलते हुए और एक अंक बटोरते अपनी टीम के लिए। बराबरी का स्कोर फिर से इस मैच में, बहुत बहुत कड़ा मुकाबला चलता हुआ। यूनाइटेड सिंह्स याद रखिए उन्होंने मैच की शुरुआत की थी पहले रेड से और पहले ही रेड पे मोहसिन वाला ने जिस तरीके से नीना ड्रोली यानी लवप्रीत संघा को रोका था उसके बाद से दोनों स्टॉप लाइन्स का बेहतरीन एक का प्रयास, 20 अंक का बट चुके हैं दोनों टीम्स के दरमियान और चार चार स्टॉप्स दोनों टीम्स ने किए हैं। यहाँ पे नईम सिंधु कोशिश करेंगे पांचवा स्टॉप करने के लिए लेकिन नाकामयाब। एक बार फिर अगर आप देखें नईम ने प्रयास बहुत बढ़िया किया था पर रवि बहुत फुर्तीले बहुत बढ़िया कार्य किया, टच किया और एकदम कोण बदल के अब दौड़ते हुए बिल्कुल स्पष्ट है जिस प्रकार दर्शक बैठे हुए हैं दबाए दर्शक दीर्घा में कंबल ओढ़ के कि ठंड अब पूरी तरह से जोर पे है उत्तर भारत में, लेकिन कबड्डी की जो गर्मी है उसका भी साफ सबूत, पूरी तरीके से सबकी निगाहें टिकी हुई हैं मैदान के ऊपर क्योंकि उन्हें पता है इस मैच में किसी भी वक्त किसी भी टीम का पलड़ा भारी हो सकता है। हालांकि यहां पे बेहतरीन तरीके से खुद को बचा के निकले रहमान इश्तियाक, आज कुछ मौके ऐसा लग रहा है संदीप ने गवाए हैं और थोड़े से अपने आप से निराश नजर आ रहे हैं, नाखुश नजर आ रहे हैं और जब कोई रेडर निकल जाता है फिर हम यही कह सकते हैं अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत, वो तो निकल गया उसने अंक ले लिया अपनी टीम के लिए। गुरविंदर गोलू गनौर पिछली बार फंसे थे जब आए थे, जुबैर ने उन्हें रोका था, इस बार क्या करेंगे। पूरी तरह से टूर्नामेंट में 63 सक्सेसफुल रेड्स और यहां पे फिर से जुबैर का ही चैलेंज है उनके सामने, 30 सेकंड के अंदर उनसे बच निकलना है, यही कोशिश है, धक्का भी मिला है, क्या इसे ऑफिशियल रेफरल दिया जाएगा। जी नहीं, अंक फिलहाल ऐसा लग रहा है कि दिया गया है गोलू के ही पक्ष में और उन्हीं के पक्ष में दिया गया। ये ऐसा लगा कि गोलू गनौर ने अंत में बहुत बढ़िया किया, शुरू में मुश्किल में थे, देखिए किस प्रकार पकड़ बना के रखी, जुबैर पूरी तरह से गिरफ्त में थे पर उसके बाद जब वो कूदे कहीं ऐसा लगा कि जब उन्होंने कलाबाजी खाई तो अपने पाले के तरफ से ही गुजर के गए हैं, ये कारण रेड सिंह को अंक मिला और यहाँ पे निशान एक अंक लेते हुए बिल्कुल बराबरी पे स्कोर। या कांटेदार ये मुकाबला चल रहा है दबायन और इसी की उम्मीद थी हम सबको। जी और अब तक कहना पड़ेगा लाहौर लायंस की स्टॉप लाइन थोड़ी ज्यादा मजबूत आप कह सकते हैं क्योंकि झंझुआ की जरूरत नहीं पड़ी है, मोहसिन ने दो स्टॉप्स किए हैं, असलम और जुबैर ने भी अपना अपना योगदान दिया है। असलम डोगर जो कि अकमल डोगर के कजिन है, अकमल डोगर वापस पाकिस्तान जा चुके हैं और हम अगर वो ये टेलीकास्ट देख रहे हैं तो उनसे बताएंगे कि वी विश यू अ स्पीडी रिकवरी, जल्दी ठीक हो जाइए क्योंकि कबड्डी का खेल बहुत बहुत मजेदार रहता है जब आप खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और अच्छा मौका था लेकिन बच निकले, रवि आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या पानीपत के निवासी हैं रवि कुमार जोगी के नाम से जाने जाते हैं वहाँ पे और देखिए किस प्रकार जैसे आपने कहा आज बहुत बढ़िया लय में नजर आ रहे हैं, फॉर्म में नजर आ रहे हैं, कोई भी मौका गंवा नहीं रहे, अपने बल का रेसलिंग की बैकग्राउंड है और उसका ये प्रमाण देते हुए वहाँ पे
शान अली एक बार फिर इसे पूर्व कुछ समस्या रही है, एक रेड उन्हें मिस की है, तीन बार आए हैं जिशान। यहाँ पे डबल टच क्लेम कर रहे हैं लेकिन उससे पहले क्या पकड़ बन चुकी है, अगर हो तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ये दिशा की पकड़ बहुत मजबूत है, अली ऐसा लग रहा है कि शायद रेफरल का इस्तेमाल करें और ऑफिशियल यही देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है इसके बाद। देखिए किस प्रकार यहाँ पे बिल्कुल बाई फ्लैग की तरफ थे अली, 11 नंबर की जर्सी में। बहुत ही सुंदर दृश्य, बाल दिवस है और जी हाँ क्या ये बच्चे छोड़ रहे हैं दवा कहीं है लाहौर लायंस की सेमीफाइनल की उम्मीदें ना हो, अभी भी उनके गिरफ्त में है और उन्हें बचाए रखना चाहते हैं। यहाँ पे रेफरल दिया गया है और उसी का फायदा मिला है अली तनवीर को या अली शाह को जैसे कि वो ज्यादा प्रेफर करते हैं खुद को कहना। बहुत बेहतरीन एक शायर है, उनकी शायरी हमने सुनी है और दूसरे कुछ फनकारों उनके भी शायर और गजल बहुत अच्छी तरह से सुनाते हैं। या हर स्पोर्ट्समैन के लिए एक बहुत बढ़िया अंदाज होता है रिलैक्स करने का, जब आप खुद शेर व शायरी करते हैं, गाते हैं या फिर गाने सुनते हैं या किसी भी सिंगर से आप प्रेरित रहते हैं। फिलहाल देखिए बीता किस प्रकार निकलते हुए, अंत में जरूर ऐसा लगा थोड़ा संतुलन खो दिया पर अपने पाले में जाते हुए और एक और अंक मिलता हुआ यूनाइटेड सिंग्स को। अच्छी बात छेड़ी है आपने क्योंकि पिछले बार एक दिन आपने ये कहा था, आपने रमोना को बताया था कि आप गजल सुनना बहुत पसंद करते हैं, हालांकि आपने उस दिन गाने से इनकार कर दिया था। तो आगे के दिनों में हम अजय मेहरा से यही गुजारिश करेंगे कि वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के जितने भी दर्शक हैं, जिनके भी इनके चाहने वाले हैं, उनके लिए वो उनकी आवाज में कोई ना कोई गजल जरूर सुनाएं और उनका मनोरंजन करें। दबाएं शायद पूरी गजल ना सुनाऊं पर एक पंक्ति जरूर सुनाऊंगा, ये मेरा आपको पूरी तरह से मैं आपको वादा करता हूँ। और जी हाँ बहुत बड़ा मैं फैन हूँ हमेशा जगजीत सिंह का रहा हूँ और उनकी गजल सुन के बहुत मजा आता है, किसी भी प्रकार की हो, भजन हो या फिर उनकी गजल हो, जो उनका दास है बहुत बढ़िया रहता है और वो भी लुधियाना के निवासी थे जिस शहर में अब ये हम हैं। और फिलहाल लुधियाना में अपना जलवा बिखेर रहे हैं संदीप नांगलाम्बिया, हैट्रिक ऑफ स्टॉप्स बिकॉज़ थ्री स्टॉप्स इज मेड इन दिस फर्स्ट क्वार्टर अलोन और अब यूनाइटेड सिंग्स के पास बढ़त कायम है। बहुत ही बढ़िया, देखिए ये है संदीप जिन्होंने प्रमाण दिया कितने बढ़िया ये स्टॉपर है, सभी अब ग्लैडिएटर के नाम से जाने जाते हैं और लगातार बहुत कंसिस्टेंट है, जब भी टीम को जरूरत होती है हाथ खड़ा करते हैं और कहीं ना कहीं एक और स्टॉपिंग उनके नाम, अभी तक तीन कर चुके हैं इस मुकाबले में, सात बार प्रयास किया है, आखिरी रेड है और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक स्टॉप किया जाए लाहौर लायंस के लिए। धक्का दिया है असलम ने, क्या स्टॉप पॉइंट मिलेगा? जी नहीं, उससे पहले डबल टच मिल चुका था एसआई का ऑफिशियल ने, परमजीत सिंह ने और शरफ जावेद थोड़े से चोटिल हुए थे। दूसरे क्वार्टर में देखते हैं क्या लाहौर लायंस अपनी वापसी कर पाती है। नमस्कार, कॉमेंट्री बॉक्स में अब मेरे सामने या मेरे साथ हैं अंजुम चोपड़ा और अंजुम फॉग मशीन जो है उसका धुआं अभी भी बरकरार है, लेकिन धुएं के बात करते हुए आज के 40 मिनट के बाद पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि सेमीफाइनल में कौन सी चार टीमें खेल सकती हैं। शुक्रिया देवान जी। हाँ, जिस तरीके से लाहौर लायंस ने शुरुआत करी थी बहुत लग रहा था कि एकदम आज स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनकर आए हैं और मैच जो जीतना ही है उनको इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए, उसमें जरूर एक प्रभाव डालेंगे, बट हल्का सा लकी रहे, शुरुआत के अंदर ही उनके कप्तान चोटिल हो गए और अभी तक वो वापस मैदान में नहीं आए हैं। प्रीत कुमार यानी रवि तीन में से तीन अब तक यानी 100% रिकॉर्ड उनके लिए और दूसरे रवि ने भी बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने भी अपने सारे रेड्स मुकम्मल किए थे लेकिन यहाँ पे एक डबल टच और एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अंक मिलता हुआ यूनाइटेड सिंग्स के ही पक्ष में। असलम डोगर थोड़े से नाखुश। सोनालिका ट्रैक्टर, अंजुम आज दोनों ऐसा लग रहा है कि नए ट्रैक्टर्स हैं, क्या हुआ है? आप जब से एक ट्रैक्टर को वहां से ले क्या गई हैं, इनको नए ट्रैक्टर्स लाने पड़े हैं? पहले एक मैं जो ट्रैक्टर लेके जाने वाली थी उस पर माला डाली थी, अब दूसरा ट्रैक्टर मुझे लगता है हमारे प्रोडक्शन रूम के लिए है क्योंकि उनकी काफी नजर थी जब मैं ट्रैक्टर चला के बाहर ले गई थी।
तो हो सकता है इसी वजह से दूसरे ट्रैक्टर के ऊपर भी उन्होंने माला डाल दी हो। यहाँ पे अंक शुरू में लाहौर लायंस को ही मिला है, लेकिन यूनाइटेड सिंह्स चाहते हैं कि इसे रेफर किया जाए। देयर इज अ रेफरल हियर फॉर अ डबल टच एंड इट लुक्स लाइक अ डबल टच। इट डज इंडीड लुक लाइक देयर वाज अ टच ऑलरेडी टू जगदीश। ऐसा लगा कि दिशा को पहले छू चुके थे और डबल टच का अंक बिल्कुल सही तरीके से ही रहमान इश्तियाक को ही मिलना चाहिए। गए जरूर थे संदीप नंगल आबिया की तरफ पकड़ने के लिए, पर पीछे से जब प्रहार हुआ तो गुरविंदर कहलों उन्होंने रहमान इश्तियाक को बाहर धक्का दे दिया और बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। पर थोड़े से नाखुश है और होने भी चाहिए क्योंकि यूनाइटेड सिंग्स को यहाँ अंक दिया गया है। रहमान इश्तियाक बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे इस चीज से। स्क्रीन पे आपने देखा खलील भी बाहर बैठे हैं, यानी पूरी तरीके से लाहौर लायंस के लिए आज बहुत मुश्किल मुकाबला है। और इस हाइट से उन्हें क्या दिख रहा होगा, सड़क दिखाई दी? इट्स डेफिनेटली नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, बट ये जरूर है कि हाँ चलाना आसान है। अगर आपको किसी को भी गाड़ी चलानी आती है तो मुझे लगता है ये ट्रैक्टर चलाने में कोई भी मुश्किलात नहीं फेस करनी पड़ेगी। जुबैर यहाँ पे गोलू गनौर के साथ उनकी एक जबरदस्त जद्दोजहद, और गोलू यही कहते हुए कि आप बहुत ज्यादा फिजिकलिटी के साथ मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। गोलू गनौर जब भी आते हैं एक उत्साह का लहर दौड़ पड़ता है मैदान के अंदर, मैच के अंदर भी, दर्शकों में भी, कमेंट्री बॉक्स में भी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगर ये कहें कि फेवरेट है हमारे कमेंट्री बॉक्स के तो गलत नहीं होगा। अब 5 अंकों का फासला दोनों टीम्स के बीच, यूनाइटेड सिंह्स 19 लाहौर लायंस 14। यहाँ पे देखिए किस तरीके से स्टॉप पॉइंट जो है वो मिलता हुआ यूनाइटेड सिंह्स के, बिल्कुल उन्हें स्टॉप लाइन से दूर लेके आए थे, यानी सेंटर लाइन से भी दूर लेके आए थे, और आखिरकार बड़े आसानी से ये अंक लिया गुरविंदर ने। याद रखिए डेब्यू भी उन्होंने किया था लाहौर लायंस के साथ और बहुत अच्छा खेले थे, आज भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तीसरा स्टॉप उनका। सबसे बढ़िया बात मुझे लगी जो तकनीक अपनाई यूनाइटेड सिंह्स ने, उस पर जरूर बाद में वापस करेंगे अगर एक बार और ऐसे ही टैकल किया गया तो। फिलहाल रवि कुमार आ चुके हैं अपनी नई रेड की शुरुआत करते हुए। बहुत अच्छा एक स्टार्ट रहा है इस क्वार्टर में भी, लेकिन वापसी करनी पड़ेगी। क्या उसे यहाँ पे मुकम्मल कर पाएगी स्टॉप लाइन? अली शाह की कोशिश थी लेकिन रवि फिर से बच निकले। बहुत बहुत बेहतरीन रेडिंग का मुजाहिरा, और अब लाहौर लायंस के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई क्योंकि 7 अंकों का फासला आ चुका है और सिर्फ 12 मिनट का ही खेल हुआ है इस मैच में। यहां पर भी अली तनवीर को बताते हुए कि देखिए थोड़ा सा ध्यान से खेलें आप, वरना फिर से कहीं ना कहीं आप किसी और खिलाड़ी को चोटिल कर देंगे। पटियाल रवि फॉर्चुनेट रहे कि हाथ से उन्होंने अपना हाथ छुड़ा लिया। ये एक जबरदस्त नीति है यूनाइटेड सिंह्स के स्टॉप लाइन की, जिस तरीके से सारे रेडर्स को सेंटर लाइन से दूर लेके जा रहे हैं। मोहम्मद खान यहाँ पे फंस चुके हैं। संदीप नांगलाम्बिया के लिए एक और स्टॉप। याद रखिए संदीप नांगलाम्बिया ये भी सोच रहे हैं उनके लिए कम वक्त है, ये शायद आखिरी लीग मैच उनके लिए हो सकता है। और दूसरी ओर मुशर्रफ जावेद चोटिल हुए थे पहले ही क्वार्टर में। जी हाँ, मुशर्रफ जावेद साफ तौर पर नाखुश हैं क्योंकि यहाँ पर उनको इस तरीके से चोट लगी थी और पूरा घुटना मुड़ गया था, और जैसे ही सामने प्रदर्शन देख रहे हैं संदीप नांगलाम्बिया का, साफ तौर पर दर्शा रहे होंगे कि शायद थोड़ी देर पहले अगर वो ठीक रहते तो ऐसा ही प्रदर्शन मुशर्रफ द्वारा भी देखा जाता लाहौर लायंस की टीम के लिए। थोड़ी देर पहले आपने पोस्टर भी देखा था, लाला कंबोज वी मिस यू, लाला उबैदुल्ला जो कि बहुत अच्छे रेडर हैं, उनके भाई लाला सैफुल्ला भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे एक स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ मोहसिन के लिए, लेकिन ये एक बहुत अच्छा अंदेशा है अंजुम की। हिंदुस्तान की सरजमीन में, यानी हिंदुस्तान के पंजाब में भी कितने फैंस हैं पाकिस्तान के सरजमीन से खिलाड़ियों के, और यही है कबड्डी का जादू, यही है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का जादू। मुझे लगता है दबान खेल की कोई भाषा नहीं होती, और खास तौर पे अगर मैदान में देखें या कंपटीशन के तौर पे देखें तो आप सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध खेल रहे होते हैं,
सो खेल एक ऐसी जागरूकता लेकर आता है और खासतौर पे एक खुशी की लहर लेकर आता है जब आप जीतते हैं कि आपको ये छोड़ देते हैं कि आप कौन सी बाउंड्री से हैं या कौन से देश से हैं। खेल की अपनी ही अलग भाषा है और बहुत ही अद्भुत है। फिलहाल इस मैच में जिस टीम की जुबान ज्यादा चल रही है वो है यूनाइटेड किंग्स की और वो है स्टॉप लाइन की जुबान, क्योंकि उस टीम ने ज्यादा स्टॉप्स किए हैं, 8 स्टॉप्स किए हैं कुल मिला के, वहीं दूसरी ओर 5 स्टॉप्स कर पाए हैं लाहौर लायंस। यहां पे एक और अंक मिलता हुआ लवप्रीत, शुरुआत उनकी बहुत खराब रही थी लेकिन उसके बाद से उनके खेल में निखार आया है। 3 स्टॉप्स 3 रेड्स लगातार किए हैं पहले 2 मिस करने के बाद। निखार तो लाना भी पड़ेगा दिबाइन अगर अच्छा प्रदर्शन करना है तो, पर ये जरूर है कि निखार इस समय थोड़ा और लाना होगा लाहौर लायंस की टीम को, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया नीति अपना ये यूनाइटेड किंग्स ने, पिछली बार भी जब जीशान आए थे तो उनको बहुत करीब ले आए थे, पाले के पार भी ले आए थे और बाउंड्री के नज़दीक भी, तो दैट मीन्स ये जो सोची समझी नीति है ये जीशान की तरफ ही अपनाई जा रही है। और पिछली बार भी संदीप रंगारामिया सामने खड़े थे धक्का देने के लिए, इस बार भी संदीप खड़े थे, तो यकीनन स्ट्रैटेजी साफ दिखती हुई अगेंस्ट जीशान, तो कहीं ना कहीं कुछ नया लाना होगा लाहौर को। असलम डोगर इस बार रोकने में नाकामयाब, यानी फिर से यूनाइटेड किंग्स के लिए एक अच्छा लीड इस मैच में बनता हुआ, 9 अंकों का फासला, 4 स्टॉप्स उन्होंने ज्यादा मुकम्मल कर लिए हैं और लाला के फैंस उन्हें यही बताते हुए कि जरूर अगर आप रहते तो इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में 4 चांद लग जाते। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे स्पॉन्सर्स के, वेव सोनालिका ट्रैक्टर्स, और जिन सबकी सोच की वजह से ये सारा कुछ हो पाया है, वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के चेयरमैन सरदार सुखबीर सिंह बादल, कमिश्नर सरदार प्रगट सिंह, और उसके वजह से इतना बेहतरीन कबड्डी का मुजाहिरा हमें देखने को मिला है। उसमें से एक बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ पे संदीप नंगलाम्बिया और उभरते सितारे रहमान इश्तियाक, लेकिन शायद यहाँ पे इश्तियाक के लिए वक्त कम हो, एक और स्टॉप पॉइंट मिलेगा, क्या इसे रेफर करना चाहेगी लाहौर लायंस की टीम। जरूर बता दे, एक तो यह है कि आप कंधे के ऊपर प्रहार नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा ये भी है कि जो अंपायर के डिसीजन होते हैं वो काफी फाइनल होते हैं और कुछ हद तक सब्जेक्टिव भी होते हैं, यानी उनको अगर ऐसा लगे कि ये फेयर है तो उसे फेयर माना जाता है। यहाँ पे गोलोगनार बेहतरीन कन्वर्जन, और जिस तरीके से फुदक के उन्होंने खुशी का इजहार किया वो भी बहुत बहुत प्यारा लगा। गोलोगनार मुझे लगता है ये लगता जरूर है कि ये थोड़े धीरे होंगे, इनको पकड़ना आसान होगा, पर क्योंकि छोटे स्टेचर छोटे कद के खिलाड़ी है इनमें चुस्ती बहुत है। बेहतरीन स्टॉप का प्रयास यहां पे जीती कोनर का, उनके सामने शबीर 10, 9, 8, और 7, एक बेहतरीन स्टॉप फिर से करते हुए जीती कोनर 4, 3। क्या बात है, क्राउड को देखिए आप, लोगों की इंटरेस्ट को देखिए जो कबड्डी की तरफ है, और क्यों ना हो अगर सामने इतना बढ़िया मुकाबला चल रहा हो लाहौर लायंस बनाम में यूनाइटेड किंग्स, खासतौर पर जब लाहौर को इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए 2 अंक बेहद ही जरूरी, रोमांच तो बढ़ेगा ही। रवि यहाँ पे शायद फंस चुके हैं, मोहसिन की पकड़ बहुत मजबूत है, उनके पांव के ऊपर है, बड़े शरीर के खिलाड़ी हैं लेकिन उनके पांव के ऊपर जब नियंत्रण आ जाए तब तो गिव अप करना ही पड़ेगा। यहाँ रवि कुमार फिर पकड़े जरूर गए थे, क्यों ना हो अगर आप किसी को ऐसे पकड़ लें कि आप 2 टांगों के बजाय 1 टांग पे ही चलें तो थोड़ी देर बाद आप गिव अप ही कर देंगे, इससे ज्यादा कि चोटिल हो उससे पहले कि आप बोलें कि ठीक है हम गिव अप करते हैं। रहमान इश्तियाक 11 अंकों का फासला दोनों टीम्स के बीच, एक और बार धक्का दिया है संदीप नंगलाम्बिया ने, क्या स्टॉप पॉइंट मिलेगा, जी नहीं उससे पहले टच कर चुके थे, डबल टच का फायदा उन्हें मिलता हुआ, 10 अंकों का अभी भी फासला है, और हालांकि फिलहाल यूनाइटेड किंग्स की टीम काफी खुश है, काफी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उन्हें याद दिलाना चाहिए कि लाहौर लायंस पिछले मैच में 14 अंकों से पिछड़ रहे थे हाफ टाइम पे, और उसके बाद जीत का फासला उनके पक्ष में था 8 अंकों का, यानी ये टीम वापस पलटवार करना बखूबी जानती है। पलटते हुए ही गए बीता, अब
अपने पाले में और मोहसिन को मौका नहीं दिया उनको रोकने का। मुझे लगता है सभी जानते होंगे और क्यों ना जाने, अगर आप इस टूर्नामेंट के अंदर खेल रहे हैं और एक बेहतरीन जीत के लिए खेल रहे हैं तो यकीनन आप किसी को हल्का नहीं समझना चाहेंगे, इवन अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए। संदीप फिर से वही कोशिश कि जीशान को पाले से दूर रखा जाए, लेकिन इस बार वो नहीं कर पाए और इसीलिए थोड़े से मायूस, हालांकि एक अंक जरूर मिला है लाहौर लायंस के पक्ष में। पर इस बार बढ़िया कार्य किया जीशान ने, अपना बैलेंस था वो नहीं खोए और इसी वजह से पाले के करीब आए और पार भी कर गए। नीना ड्रोली, 10 अंकों का फासला दोनों टीम्स के बीच। लाहौर लायंस को एक या दो स्टॉप्स यहां पे करने पड़ेंगे। देखिए किस तरीके से स्टॉप लाइन कोशिश कर रही है कि उन्हें कंफ्यूज किया जाए। आखिरकार जुबैर ने कोशिश जरूर की, लेकिन जिस फुर्ती के साथ उनकी पकड़ से बच निकले, ये एक बहुत बड़ा सबूत कि कितने अच्छे खिलाड़ी हैं नीना ड्रोली। वे वर्ल्ड कबड्डी लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रमन रहेजा बड़े खुश होंगे कि किस तरीके से ये पूरा टूर्नामेंट निकला है और खासकर जो रोमांच देखने को मिला है आखिर के कुछ मैचेस में वो बहुत बेहतरीन है। जी रोमांच तो बिल्कुल रहा है इस टूर्नामेंट में और द हायर फैमिली यूनाइटेड सिंग्स के ओनर्स भी खुश होंगे कि 10 अंकों की लीग 10 अंकों की लीड ऑलरेडी मिल चुकी है यूनाइटेड सिंग्स को इस मैच में। बट फिर भी अभी भी खतरा टला नहीं है और खतरा बिल्कुल रहेगा क्योंकि लाहौर लायंस सामने की एक स्ट्रॉन्ग टीम है। नईम यहाँ पे थोड़े नाखुश नजर आते हुए कि एक अंक उनको ना दे के यूनाइटेड सिंह को क्यों दे दिया गया है। रेबान इश्तियाक फिर से पकड़े गए हैं यहाँ पर क्या निकल पाएंगे? इस बारी निकलना मुश्किल है क्योंकि इतना जोर का जाफा लगाया था जगतार सिंह स्टॉपर यूनाइटेड सिंग्स के। अंजुम मैं इस स्टॉप से बहुत खुश हूँ क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में जग्गा खेरा बिल्कुल नहीं खेले हैं क्योंकि खासकर टीम में और कुछ नए खिलाड़ी आए, गुरविंदर आ चुके हैं तो इसी वजह से उनकी जरूरत भी नहीं पड़ी है और आज वापस आते हुए ही बतौर सब्स्टिट्यूट पहला स्टॉप ही उन्होंने मुकम्मल कर लिया। स्टॉप की बात करेंगे तो संदीप नंगलांबिया जिस तरीके से अभी तक प्रदर्शन कर चुके हैं काबिले तारीफ है और थोड़ी देर पहले ही मेरे को ये इंफॉर्मेशन मिली है कि संदीप खास तौर पे प्रभावित थे यादव सुरपुरिया से क्योंकि उन्होंने पहले 10 मिनट के अंदर ही 6 स्टॉप्स कर चुके थे। तो जब वो कर सकते हैं तो संदीप नंगलांबिया ने अपने आप के सामने एक चुनौती रखी कि मैं भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं क्योंकि अगर देखेंगे तो कॉन्टेस्ट इन दोनों स्टॉपर्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है और यही अच्छी चीज़ है कि अगर आप हेल्दी कॉम्पिटिशन को लेकर चलेंगे मैदान के अंदर और मैच में तो यकीनन प्रदर्शन अच्छा ही रहेगा। और वो भी था लाहौर लायंस के खिलाफ जिस मैच में यादव सुरपुरिया पहले 2 क्वार्टर्स के बाद उनके 10 स्टॉप्स थे, ऐसा लगा था कि शायद जो रिकॉर्ड है 12 स्टॉप्स का संदीप 2 बार पहले कर चुके थे उसे तोड़ भी दे, आखिरकार सिर्फ इक्वल कर पाए, यानी 3 बार ऐसा हुआ है किसी एक खिलाड़ी ने 12 स्टॉप्स किए हैं। मुशर्रफ जावेद जंजुआ की मायूसी बहुत बहुत साफ, ये दर्द ना सिर्फ उनके पैर का दर्द है बल्कि उसके अलावा ये भी उन्हें पता है कि शायद इसके आगे नहीं खेल पाएंगे और शायद लाहौर लायंस की सेमीफाइनल्स की उम्मीदें भी आज धूल में मिट्टी में मिल जाएंगी। डबल टच का अंक मिलता हुआ यहां पर रवि को और इसी वजह से एक अंक और बढ़त मिलती हुई वापस यूनाइटेड सिंग्स के लिए। जी हाँ ना खुश तो बहुत होंगे मुशर्रफ जाजुआ और खास तौर पे उनकी टीम मैनेजमेंट भी क्योंकि इस तरीके से वो इंजर हुए थे चोट लेने के बाद साइड लाइन पे बैठे हैं, यहाँ पर उनके राइट नी को जरूर स्ट्रैप करके रखा है मेडिकल डेस्क ने। बट जिस तरीके से उनकी टीम अभी प्रदर्शन कर रही है खास तौर पे टीम मैनेजमेंट बहुत नाखुश होगी कि जिस खिलाड़ी के ऊपर सबसे ज़्यादा आपने होप्स लगाए थे।